बड़े रेल यात्रियों की परेशानी, क्योंकि 10 ट्रेनें 5 घंटे ज्यादा लेट चल रही हैं। ट्रेनों के लेट होने से यात्री काफी परेशान हो रहे हैं। गर्मी में स्टेशन पर यात्री परेशान होते हुए नजर आए हैं। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ में, जहां पर रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। 10 ट्रेनें 5 घंटे देरी से चल रही हैं और इसके चलते लोगों की अगर एक ट्रेन के बाद कोई दूसरी ट्रेन पकड़नी है, या फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको फ्लाइट पकड़नी होती है, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई लोगों को आर्थिक नुकसान तो होता ही है, समय की बर्बादी भी होती है। ट्रेनों के लेट होने से यात्री काफी परेशान नजर आए। गर्मी में स्टेशन पर यात्री परेशान होते हुए नजर आए। तो सबसे ज्यादा दिक्कत उन यात्रियों को होती है जिन्हें इस ट्रेन के सफर के बाद कोई अगला वाहन या अगली ट्रेन या अगली फ्लाइट पकड़नी होती है, और इस दौरान ये काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लोगों को। तो कहीं ना कहीं आर्थिक बोझ तो पड़ता ही है और दिक्कत तो है ही, और 10 ट्रेनें 5 घंटे की देरी से चल रही हैं। ये मेंटेनेंस के चलते कहीं ना कहीं ट्रेनों की लेट लतीफी हो, और आप ये देखिए कि गर्मी में स्टेशन पर यात्री परेशान होते हुए भी नजर आते, क्योंकि वो अपने समय निर्धारित समय के अनुसार आते हैं स्टेशन में और उन्हें 5 घंटा और इंतजार करना पड़ता है। तो छत्तीसगढ़ में बड़ी रेल यात्रियों की परेशानी, 10 ट्रेनें 5 घंटे से ज्यादा लेट चल रही हैं। ट्रेनों के लेट होने से यात्री काफी परेशान होते हुए नजर आए थे, और खास तौर पर गर्मी के मौसम में यात्रियों को और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अंबिकापुर में नवागर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही सामने आई है। डिलीवरी के लिए पहुंची महिला को समय पर डॉक्टर और नर्स नहीं मिले। महिला दर्द से कराह रही थी, लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं था। प्रसव के लिए आई महिला ने अस्पताल के फर्श पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। सूचना के कई घंटों बाद भी अस्पताल का स्टाफ वहां नहीं पहुंचा। महिला फर्श पर कई घंटों तक तड़पती रही और वहां पर कोई भी डॉक्टर या नर्स मौके पर मौजूद नहीं था। देखिए कितना बड़ा ये मामला है, जहाँ पर कई घंटों तक कोई स्टाफ ही नहीं पहुँचता है। प्रसव के लिए महिला पहुँची थी और उस दौरान ना कोई डॉक्टर ना कोई नर्स, बच्चा जन्म ले लिया और उसके बाद महिला तड़पती रही। 10 बजे बच्चा पैदा हुआ और 10 बजे के बाद उसका आवल आधा घंटा से ऊपर हो गया, फिर भी नहीं गिरा। बच्चा अपने से हुआ और बेड में भी नहीं हुआ, बेड के नीचे हुआ, अपना जमीन में कथरी में हुआ। और यहाँ कोई फोन लगाते लगाते हम लोग परेशान थे, फिर भी कोई नहीं पहुँच पाए। कि मितानी लोग बहुत बोलते हैं ऐसे करके, तो हम लोग को बहुत बुझाना पड़ा और आज हम लोग मजबूर में ऐसा करना पड़ा हम लोग को। आपने चाकू की नोक पर लूट डकैती की बहुत सारी वारदात देखी है, सुनी होगी, लेकिन हम आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिसमें चाकू की नोक पर डांस कराया गया। जी हाँ, मामला बिलासपुर जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां बदमाशों ने राह चलते शख्स को चाकू दिखाकर धमकाया और उसे जबरन डांस करवाया गया। बदमाशों के चाकू की नोक पर राहगीर से डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और ये देखिए तस्वीरें। पहले तो एक राहगीर को रोक लिया गया और चाकू दिखाकर उससे जबरन डांस करवाया गया और उसके बाद उसे जाने दिया गया। लेकिन आप ये देखिए कि अगर कोई दिल का कमजोर व्यक्ति है या फिर वो भी बहुत गुस्से वाला व्यक्ति है, तो जाहिर सी बात यहाँ पर विवाद जैसी स्थिति बन जाएगी। जो युवक है पीली टी शर्ट में आपको दिख रहा है, वो काफी शांत प्रवृत्ति का नजर आ रहा है, और इसके चलते यहाँ पर कोई बड़ा हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन इस तरीके से जो पूरा घटनाक्रम है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और खबर गरियाबंद से है, जहां पर मजदूरी कटौती से परेशान मजदूर पहुंचे विधायक के घर। राजिम विधायक रोहित साहू के पास पहुंचकर समस्या बताई गई। काम बंद कर मजदूर प्रदर्शन कर रहे थे। मेट रोजगार सहायक पर मनमानी का आरोप लगाया गया। विधायक ने अधिकारियों को जांच करने के निर्देश दे दिए हैं। फिंगेश्वर ब्लॉक के ग्राम पंचायत तर्रा के सभी मजदूर बताए गए हैं। बड़ी खबर गरियाबंद से है। उसके नाम बहुत दिनों से आ नहीं रहे बता।
कोरबा से बड़ी खबर, 3 पावर प्लांट पर 25 लाख का जुर्माना लगाया गया। प्रदूषण फैलाने पर यह जुर्माना लगाया गया है। पर्यावरण संरक्षण मंडल ने कार्रवाई की है। एनटीपीसी बालको और सीएसईबी पर की गई कार्रवाई, राखड़ का समाधान करने के लिए निर्देश जारी किए गए। पर्यावरण संरक्षण मंडल ने कार्रवाई की शुरू। तो खबर कोरबा से है, जहां पर 3 पावर प्लांट पर 25 लाख का जुर्माना लगाया गया। प्रदूषण फैलाने पर लगाया गया जुर्माना, पर्यावरण संरक्षण मंडल ने कार्रवाई की। एनटीपीसी बालको और सीएसईबी पर कार्रवाई की गई है। राखड़ का समाधान करने के लिए निर्देश जारी किए गए। पर्यावरण संरक्षण मंडल ने कार्रवाई की शुरू। और अब खबर जशपुर से है, जहां का शिक्षिका से रेप का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस नेता और उसके साथी पर रेप का आरोप लगा है। एक आरोपी सद्दाम खान पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, दूसरा आरोपी इम्तियाज भी गिरफ्तार हुआ। आदिवासी शिक्षिका से रेप का आरोप लगा। जशपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार कर लिया। वाटरफॉल में लास्ट ईयर वहाँ की शिक्षिका के साथ में पिकनिक स्पॉट पर सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें बगीचा थाने के द्वारा FIR दर्ज किया गया था और दोनों आरोपियों की तलाश जारी थी। और काफ़ी मशक्क़त के बाद एक आरोपी को उस समय पकड़ा गया था और अभी दूसरा आरोपी इम्तियाज उसको जशपुर पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। और ये चूँकि बहुत ही शातिर किस्म का आरोपी है, लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था, लेकिन हमारी साइबर टीम ने इसे चुनौती के तौर पर लिया और अंततः इसको पकड़ने में असफलता मिली और ये झारखंड में इसका लोकेशन मिल रहा था और वहां जाकर हमारी स्पेशल टीम ने इसे पकड़ा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली में द्वारका के ट्राइबल यूथ हॉस्टल का दौरा किया। उन्होंने हॉस्टल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और छात्रों से बातचीत कर उन्हें सफलता के लिए प्रोत्साहित भी किया। मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, आदिम जाति अनुसूचित जनजाति विकास मंत्री रामविचार नेताम और लुंडा विधायक प्रबोध मिंज भी साथ में मौजूद रहे। छात्रों के साथ ही बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि UPSC अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए यूथ हॉस्टल में 50 बच्चों की सीटों को बढ़ाकर अब 200 सीटें करने की तैयारी कराने का प्रावधान बजट में किया गया है और उनके लिए हॉस्टल और PG की व्यवस्था की जाएगी। यह कदम छात्रों की शिक्षा और करियर को बेहतर बनाने की दिशा में कारगर सिद्ध होगा। अधिक से अधिक बेटा बेटी मन UPSC पास करें और भी क्षेत्र में मेडिकल यहाँ पे हॉस्टल की सुविधा बहुत उपलब्ध थी पहले। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली में नए अतिथि गृह छत्तीसगढ़ निवास का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, अनुसूचित जाति जनजाति विकास मंत्री रामविचार नेताम और लुंडा विधायक प्रबोध मिंज भी मौजूद रहे। वहीं द्वारका में छत्तीसगढ़ के अतिथियों के ठहरने के लिए 60,42,00,000 की लागत से छत्तीसगढ़ निवास बनाया गया है। द्वारका के सेक्टर 13 में छत्तीसगढ़ के अतिथियों के लिए नए अतिथि गृह छत्तीसगढ़ निवास का निर्माण किया गया। छत्तीसगढ़ निवास में 10 स्यूट रूम, 67 कमरे, डाइनिंग हॉल और वेटिंग हॉल, मीटिंग हॉल बनाया गया है। छत्तीसगढ़ निवास नाम है इसका ना, कवन का। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ सरकार पर आरक्षण संशोधन विधेयक पर बेवजह लटकाने का आरोप लगाया। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि इस कमेटी को 2 साल का समय दिया गया है, जो बहुत ज्यादा है। इसी से इनकी मंशा पर शक पैदा होता है। ये कार्यकाल 2 साल की बजाय 6 महीने में ही होना चाहिए। अमरजीत भगत ने कहा कि समिति की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ राज्यपाल से अनुमति लेनी है। में तो अब जैसे इनको ऊपर से आदेश आता है वैसे लोग इसमें कार्रवाई करते हैं। अब दिल्ली से जो आदेश आया होगा, नागपुर से जो आदेश आया होगा, उसी में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पुनः आग्रह है कि इसमें राजनीति ना करते हुए
और इसमें तत्परता के साथ आदिवासियों के हित के लिए ये जो 2 साल का कार्यकाल है उसको तत्काल संशोधन करके 6 महीने के अंदर करें और वंचित लोगों को जो अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं उनको लाभ दिया जाए। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें।